नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार गजनफर अली खान साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण साहब का। जी हाँ दोस्तों, इनकी जोड़ी ने कई ऐसे हिट गीत दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम लोग गजनफर अली खान साहब और उदित नारायण जी के शानदार जोड़ी की शानदार गीतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। तो आइए दोस्तों बात करते हैं गजनफर अली खान साहब से उदित नारायण जी कैसे मिले। वैसे तो उदित नारायण जी हीरो बनने मुंबई आए थे और दो फिल्म कर भी चुके थे, और ये बात है 1977-78 की। और उदित जी और पप्पू जी की पहली मुलाकात तारदेव स्टूडियो में हुआ, और उदित जी बोले, पप्पू जी मैं अपने यहाँ का हीरो हूँ और मैं इसमें का सभी गीत भी गाया हूँ और ये मेरी फिल्म का पोस्टर है। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ अपनी फिल्म का पोस्टर भी रखा था, उसे पप्पू यानी कि गजनफर अली खान साहब को बताया। तब गजनफर अली खान साहब बोले, क्या बात है भाई, तो चलो कुछ सुनाओ। तब एक दुकान के पास बैठ कर उदित नारायण जी ने गजनफर अली खान साहब को गाना सुनाया, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और बोले, उदित जी आप हीरो में तो अच्छे लग ही रहे हैं, साथ में आपके जो आवाज़ है वो हीरो पे छा जाएगी। तब उदित नारायण जी बोलते हैं कि ऐसी बात है तो पप्पू जी मिलाओ म्यूजिक डायरेक्टरों से। तब गजनफर अली खान साहब यानी पप्पू जी बोलते हैं, मैं ज़रूर मिलवाऊंगा म्यूजिक डायरेक्टरों से। और गजनफर अली खान साहब उस टाइम एक एल्बम भी कर रहे थे, एल्बम है साई श्रद्धा। तो इस एल्बम में पहली बार गजनफर अली खान साहब के संगीत में उदित नारायण जी ने अपनी आवाज़ दी, और दोस्तों ये एल्बम 1978 में रिलीज हुई। वैसे तो ये एल्बम बहुत ही रेयर है, आज सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन उदित नारायण जी ने 1978 में गजनफर अली खान साहब के संगीत में पहली बार रिकॉर्ड किया। खुशबू लुटा रहे हैं मदहोश ये नजारे। और दोस्तों उदित नारायण साहब के स्टार्टिंग करियर में भी गजनफर अली खान साहब का बहुत ही बड़ा हाथ था, तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब उदित नारायण जी का सभी म्यूजिक डायरेक्टरों के यहाँ आना जाना था, और उस टाइम गजनफर अली खान साहब राजेश रोशन साहब के खास म्यूजिशियन थे, और दोस्तों राजेश रोशन जी का एक असिस्टेंट था संजीवा जीत और वे मद्रासी थे। और एक दिन क्या हुआ, जब सुबह सुबह करीब 10:30 बजे की बात है, उदित नारायण जी वहाँ आता है, और उस टाइम उदित नारायण जी का एकदम स्टार्टिंग करियर था। तब उदित जी दरवाज़ा खटखटाता है, तो संजीवा जी पूजा पाठ कर रहा होता है, फिर दरवाज़ा खुलता है। तब उदित जी को बहुत डांटता है और बोलते हैं, ये टाइम है आने का, जब देखो तब चले आते हो, ये वो ऐसा, मतलब उदित नारायण जी को संजीवा जी हैं वो डांटते हैं। तब गजनफर अली खान साहब वहीं पर रहता है और अपनी कोंगो का रिहर्सल करता रहता है। तब आवाज़ सुनता है तो कौन झगड़ा हो रहा है ऐसा सोचकर अपने कमरे से बाहर निकलता है, और वहां जाता है तो देखता है कि उदित नारायण साहब को संजीवा जी डांट रहे हैं। और तब पप्पू जी बोलते हैं, संजीवा जी आपको ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी कलाकार आते हैं उसे आप ऐसे डांटते रहते हो, तब मैं तुम्हारी शिकायत जो है वो राजेश रोशन से करूँगा, ऐसा गजनफर अली खान साहब संजीवा जी से बोलते हैं। फिर गजनफर अली खान साहब उदित नारायण जी को अंदर ले जाते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। फिर दोस्तों गजनफर अली खान साहब उदित नारायण से कहते हैं कि 12 बजे राजेश रोशन साहब जो है वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको उनसे मिला दूंगा, आप तब तक इधर उधर टहलिए, जब 12 बज जाएगा तब आ जाना, मैं आपको राजेश रोशन साहब से मिला दूंगा। और जब राजेश रोशन जी 12 बजे आते हैं तो गजनफर अली खान साहब बताते हैं कि राजू भाई एक लड़का आया था जो बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता है, और आपके स्टूडियो में भी आया था, बहुत ही अच्छा गाता है। तब राजेश रोशन जी बोलते हैं कि क्या बात कह रहे हो, कौन है? तब गजनफर अली खान साहब जी कहते हैं, उदित नारायण जी हैं। तब राजेश रोशन जी कहते हैं, पप्पू भाई तो उन्हें तुरंत बुला कर लाओ, ऐसा करो उन्हें सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही ले आओ, ऐसा बोला उन्होंने। तब पप्पू जी तुरंत जाता है, लेकिन उदित जी वहाँ पर नहीं रहता है। फिर बहुत ढूंढते हैं, और उस टाइम फोन भी नहीं रखा था। फिर निराश होकर पप्पू जी वहाँ से निकल ही रहे थे कि इत्तेफाक से उदित जी गेट पर ही आ रहे थे।
तब गजनफर अली खान यानी कि पप्पू जी बोले, अबे उदित कहाँ चला गया था, तुझे कितना ढूंढ रहा था मैं। तब उदित जी बोले, क्या हुआ पप्पू जी। ऐसे में उदित जी और डर गया कि कहीं राजेश रोशन जी उन्हें टार तो नहीं रहे थे। फिर गजनफर अली खान साहब बोले, अरे उदित तेरे हाथों में गाना आ गया और तू मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाने वाला है। तो उदित जी बोले, क्या बोल रहे हो पप्पू जी। तब पप्पू जी बोले, हाँ। और पप्पू जी बोले, तुझे डरना नहीं है, बिंदास गाना है और दोस्तों फिल्म का नाम है 1920 जो 1980 में रिलीज हुई थी। और इसी फिल्म में ही गजनफर अली खान साहब के वजह से उदित नारायण जी को ये गीत गाने को मौका मिला। और 1920 फिल्म में सुप्रसिद्ध एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जी लीड रोल पे थे, आप लोगों को पता ही है। फिर उसके बाद उदित जी स्टूडियो पहुंचते हैं, फिर रफ़ी साहब को प्रणाम करते हैं और इसके साथ ही उषा मंगेशकर जी को भी प्रणाम करते हैं। और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब, उषा मंगेशकर जी और उदित नारायण जी गा रहे थे। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस गीत को अनवर हुसैन साहब और मोहम्मद रफ़ी जी, इसके साथ उषा मंगेशकर जी, इन तीनों सिंगर गाने वाले थे, लेकिन इसमें से अनवर हुसैन साहब को हटाकर फिर उदित नारायण से गवाया गया। फिर राजेश रोशन जी ने 1920 फिल्म में ये चार लाइन उदित जी से गवाया। और जब उदित नारायण जी ये चार लाइन गाते हैं तो मोहम्मद रफ़ी साहब वहीं पे बैठे रहते हैं। और जब रफ़ी साहब सुनते हैं उन्हें तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और मोहम्मद रफ़ी साहब उदित नारायण जी से बोलते हैं कि बेटा एक दिन तू बहुत आगे जाओगे। और इस बात को उदित जी ने कभी अपने इंटरव्यू में भी नहीं बताया है। तो इस तरह से दोस्तों उदित नारायण जी को फिल्मों में ब्रेक मिला गजनफर अली खान साहब के द्वारा। जी हाँ, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गजनफर अली खान साहब की वजह से ही उदित नारायण साहब को मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाने का मौका मिला था। तो चलिए अब बात करते हैं गजनफर अली खान साहब और उदित नारायण साहब के शानदार जोड़ी की, शानदार गीतों की। वैसे देखा जाए तो उदित नारायण जी ने गजनफर अली खान साहब के संगीत में पहली बार 1978 में आई एल्बम साई श्रद्धा में गाया, जिसे मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। यह बहुत ही रेयर एल्बम है दोस्तों, कहीं पे नहीं मिलता है। और इस एल्बम के बाद सन 1996 में आई एल्बम बहारो फूल बरसाओ और गीत के बोल हैं परदेशियों से ना अखियाँ मिलाना। ये गीत आप लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में बहुत बार सुने होंगे, लेकिन उसी गीत के लिरिक्स पर एक अलग ही धुन में गजनफर अली खान साहब ने यह गीत रिकॉर्ड किया, जिसे सुनकर आप बस सुनते ही रह जाएंगे। और दोस्तों इस गीत का भी एक किस्सा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब उदित नारायण जी को गजनफर अली खान साहब अलका याग्निक स्टूडियो में बुलाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तब उदित जी आते हैं और जब लिरिक्स सुनते हैं तो उदित नारायण जी मना कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत रहता है, इसी के वजह से उदित जी मना कर देते हैं। और जब गजनफर अली खान साहब धुन उन्हें सुनाते हैं तो उदित जी को बहुत ही अच्छा लगता है और उदित नारायण तब जाके इस गीत को गाने के लिए राज़ी होते हैं। और जब इस गीत को उदित नारायण जी ने गाया तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और मोहम्मद रफ़ी साहब का ये एक ही गीत है दोस्तों जिसे उदित नारायण साहब ने इस तरह से गाया है। एक दिन जाना परदेसियों से। और इस एल्बम के बाद सन 1999 में आई फिल्म सरफरोशे हिंद और गीत के बोल हैं खुशबू लुटा रही है। यह गीत आप लोगों ने सुने ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। और इस गीत को भी उदित नारायण साहब ने गजनफर अली खान साहब के संगीत में ही अपनी आवाज़ दी और इस गीत को हम लोग चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए एक झलक इस गीत की तरफ। खुशबू लुटा रहे हैं मदहोश ये नजारे। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उदित नारायण जी के पत्नी दीपा नारायण जी ने भी गजनफर अली खान साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दी है। और इसी फिल्म में ही सुप्रसिद्ध गायिका दीपा नारायण जी ने गजनफर अली खान साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दी है और इस फिल्म में दो गीत गाए हैं। जी हाँ, पहला है हल्लू हल्लू, ये गीत जो है वो जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में सुदेश भोसले जी और दीपा नारायण जी ने अपनी आवाज़ दी है। हल्लू 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 हल्लू। और इस गीत के साथ ही एक और गीत है, गीत के बोल हैं कल रात की है बात। और इस गीत को भी बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में दीपा नारायण जी और अलका याग्निक जी, इन दोनों ने इस गीत को भी बहुत अपनी बेहतरीन आवाज़ में फिल्म सरफरोशे हिंद में ही अपनी आवाज़ दी है।
और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण साहब की पत्नी दीपा नारायण जी ने भी गजनफर अली खान साहब के संगीत में अपनी आवाज दी। इस फिल्म के बाद सन 2001 में आई फिल्म स्वाति, और इस फिल्म में भी उदित नारायण साहब ने गजनफर अली खान साहब के संगीत पर अपनी आवाज़ दी। गीत के बोल हैं पिंजरे के पंछी, और इस गीत को बहुत अपनी बेहतरीन आवाज़ में उदित नारायण जी और साधना सरगम जी ने अपनी आवाज़ दी। और दोस्तों ये गीत बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप सुनेंगे तो बस सुनते ही रह जाए। और इस फिल्म के बाद गजनफर अली खान साहब ने उदित नारायण साहब को नदीम सरवन नॉन स्टॉप में भी गवाया। वैसे तो इस एल्बम में कुमार सानू जैसे बहुत सारे दिग्गज सिंगर हैं, कुमार सानू, अलका याग्निक और ऐसे कई दिग्गज सिंगर हैं जिन लोगों ने अपनी आवाज़ दी, और उदित नारायण साहब को भी गजनफर अली खान साहब ने इस एल्बम में गवाया। मुझसे जुदा हो जाओगी बोलो कैसे रह पाऊंगा। और दोस्तों इसके साथ ही और अभी कई सॉन्ग जो है वो गजनफर अली खान साहब उदित नारायण साहब से गवाने वाले हैं, जिसके बारे में मैं और बाद में आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गजनफर अली खान साहब का नाम पहले पप्पू खान या पप्पू कश्मीरी से लोग जानते थे, लेकिन उदित नारायण साहब ने ही कहा था कि पप्पू भाई आपका नाम इतना अच्छा है गजनफर अली खान, ऐसा उन्होंने बताया, अगर आप गजनफर अली खान साहब भी अपना नाम रख ले तो अच्छा रहेगा। ज़्यादातर लोग जो है वो पप्पू खान या पप्पू कश्मीरी के नाम से गजनफर अली खान साहब को जानते हैं। फिर बाद में उदित नारायण साहब के कहने पर ही गजनफर अली खान साहब ने अपना नाम गजनफर अली खान रखा, या इससे पहले उन्हें पप्पू खान या पप्पू कश्मीरी के नाम से लोग जानते थे। तो आप लोगों को गजनफर अली खान साहब और उदित नारायण साहब के जो शानदार जोड़ी की शानदार वीडियो जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।